हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्रिएट करूंगी ये आई मेकअप लुक। ये कटक्रीज आई मेकअप लुक है, तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी कटक्रीज बनाने में, बट मैंने फिर भी अचीव कर लिया ये लुक। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज मेरी हाईली रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी आईज के नीचे बेक किया है ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो अच्छे से आसानी से रिमूव हो जाए। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ ब्लैक आई शेडो से ताकि मुझे कट क्रीज बनाने में आसानी हो। मैंने दोनों आईज में लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके बाद मैं अपने ब्लू हेवन के पैलेट में से एक डार्क मरून कलर लेकर अच्छी तरह से अपनी इस लाइन के ऊपर स्मच करूँगी और ब्लेंड करूँगी। ये कलर जो मैं अभी लगा रही हूँ, जब अप्लाई कर रही हूँ आई शेड कलर, मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो मैंने अच्छे से दो शेड लगा लिए हैं यहाँ पे आई शेड कलर और अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं। और मैं एक फिर भी ब्रश ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इनको। यहाँ पे फिर से मैंने एक अपने स्विस ब्यूटी के पैलेट में से एक और कलर लेकर डार्क मरून कलर लेकर अप्लाई किया है और उसे अच्छे से स्मच कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने उसी पैलेट में से एक ब्राउन कलर लेकर अप्लाई किया था और उसको अच्छे से ब्लेंड किया था। अब मैं एक फ्लफी ब्रश लेकर फिर से इनको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब पहले मैंने ये कलर लिया था, फिर सेकंड पे ये, और थर्ड पे ये कलर लिया था, फोर्थ पे ये। इसके बाद अब मैं फिटमी के कंसीलर से अच्छी तरह से एक कट क्रीज ड्रॉ करूंगी अपनी पूरी आईलिड पर। अब यहाँ मैं अच्छे से कट क्रीज अच्छी तरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और अभी मैंने स्मॉल ब्रश लिया है ताकि मैं एक स्मूथ लाइन ड्रॉ कर सकूं, अच्छी तरह से कट क्रीज बना सकूं। ये स्मॉल फ्लैट ब्रश है। अब मैं इसमें से ये एडीएस का आई शेडो पैलेट है, इसमें से वाइट कलर लिया है ताकि मैं इस कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँ इस कलर से और इसमें क्रीज ना बने। ये लैक्मे का लिप ग्लॉस है, ये मैंने एक्चुअली जैसे शिमर डस्ट लगाने से पहले शिमर ग्लू लगाते हैं, एक ग्लू होता है उसके तौर पे मैंने ये लगा लिया। मेरे पास ग्लू नहीं था, मैंने ये लगा लिया और इसके ऊपर शिमर डस्ट है, इसे मैंने अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई किया है। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और कोशिश की है कि लाइन बीच में रह जाए, बट मेरी हुडी आईज हैं तो लाइन तो बन गई थी बीच में, एकदम कट ड्रॉ हो गई थी, लेकिन बट हुडी आईज हैं तो अभी तो अच्छे से बन गई, अभी अच्छी लग रही हैं, बाद में वो मिक्सअप हो गई थी यहाँ बीच में से तो पता नहीं चल रहा था। इसके बाद मैं NYB का लाइनर लगा रही हूँ और यहाँ मैं एक विंग क्रिएट कर रही हूँ। बाद में मैंने जो भी मेरे फेस पे फॉल आउट हुआ था मैंने सब क्लीन कर लिया था ऑफ कैमरा।
इसके बाद मैं ये ब्राउन कलर लेकर अपनी लोअर आईलिड पर अप्लाई करके स्मच करूंगी, अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब इसमें से मैं मरून कलर लेकर, ये डार्क मरून कलर लेकर ये भी अपनी लोअर आईलिड में लगाकर अच्छे से ब्लेंड करूंगी। एक ब्लैक टिप ब्रश है, अब इसके बाद मैं गोल्डन कलर लेकर अपनी इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूंगी और ब्राउ बोन एरिया पर अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं मैक का मस्कारा ले रही हूँ और मैं अपनी लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आज मैंने फॉल्सेस नहीं लगाए हैं बिकॉज मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं फॉल्सेस। अब मैं यहाँ एन बाय बी का काजल लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कंटूर करूंगी। अब मैं अपने पूरे फेस पे कंटूर कर रही हूँ। अब मैं ब्लश लगा रही हूँ और ये सब मैं अपने स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ही कर रही हूँ। बट इसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, वो मैं भी स्विस ब्यूटी का वो हाइलाइटर पैलेट है अलग से दूसरा, उसमें सिर्फ हाइलाइटर्स ही हैं। तो उसे मैं अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ वहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की ये लिक्विड लिपस्टिक है ये अप्लाई कर रही हूँ लिप्स पर और इसके ऊपर मैं अपना लैक्मे का लिप ग्लॉस लगाऊंगी क्योंकि ये लिप्स को बहुत ड्राई करता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा दिया लिप्स पर। इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर लूँगी और ये सेटिंग स्प्रे है, तो मैं इसे अपने पूरा मेकअप सेट कर लिया है और एक स्पंज के लिए जो एक्स्ट्रा था उसे रिमूव कर लिया है और ये है मेरा फिनिश लुक।